पीएम मोदी जहां 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, टीवी 9 की टीम वहां पहुंची। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये है वो मंच जहां पर आप प्रधानमंत्री मोदी को कुछ घंटे बाद या कहा जाए 21 जून को आप यहां पर देखने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आप एक्सक्लूसिवली आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष लेके आ रहा है इंटरनेशनल योगा डे के दिन। यही है वो नॉर्थ लॉन जहां से आपको वो देखने को मिलेगा जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएन एड्रेस में कहा था। ये देखिए अब आप तस्वीरें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था योगा के तौर पर उसको मनाने को लेकर इंटरनेशनल योगा डे के दिन। ये देखिए अब आप तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। ये जो स्प्लिट में आप देख रहे हैं, और सबसे गौर करने वाली बात आप जानते हैं क्या है, 180 देशों के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसमें एंटरप्रेन्योर्स होंगे, अलग अलग मुल्कों के लोग होंगे, एकेडमिक के लोग होंगे, और ये सबसे अद्भुत चीज़ होगी। तैयारियाँ देखें, लास्ट मोमेंट पर ये तैयारियाँ चल रही हैं। एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने ये वीडियो लेकर आया है। और अमेरिका के न्यूयॉर्क के जिस होटल में पीएम मोदी ठहरने वाले हैं, टीवी 9 की टीम ने वहां का भी दौरा किया। न्यूयॉर्क पैलेस होटल के टीवी से टीवी 9 संवाददाता निशांत चतुर्वेदी की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क पैलेस होटल, यही वो जगह है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रुकेंगे। इसके ठीक बगल में वहां पर आप देखिए वो है सेंट पैट्रिक कैथेड्रल, और इसके बगल में है रॉकफेलर सेंटर। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बगल में सेंट्रल पार्क भी है। लेकिन इस होटल की तारीफ आप जानते हैं, ये होटल है कम से कम 55 फ्लोर्स का, 900 से ज्यादा कमरे और 900 से ज्यादा कमरे और करीब 87 सूट्स हैं इसमें। अब इस होटल में कौन कौन ठहर चुका है, कौन कौन रुका है, ये देखने वाली बात है। इस होटल में बराक ओबामा ठहर चुके हैं, माइकल जैक्सन ठहर चुके हैं इस होटल में, विटनी ह्यूस्टन इस होटल में ठहर चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी वो भी यहीं पर रुकने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीस ऑफ हिस्ट्री ये है, 80s की बात होगी, 1977-80 में ये बन के तैयार हुआ। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको एड ऑन किया गया। 80s में प्रिंस चार्ल्स को यहाँ पर ठहरने से मना कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त सूट्स अवेलेबल नहीं थे। बहुत शानदार होटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इसको कहा जाता है।